नमस्कार दोस्तों, हरियाणा ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको HSSC आगामी एग्जाम के लिहाज से मैथ का टॉपिक HCF व LCM करवाने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक, इसका फुल फॉर्म होता है भाइयों, हिंदी में इसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का मैसव वह अधिकतम संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे अगर हमारे पास 12, 48 और 56 का मैसव हमें पता है कि 4 होता है, क्योंकि 4 वह अधिकतम संख्या है जो इन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, इसलिए इसका मैसव 4 होगा। और LCM की बात करें तो LCM होता है लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुतम समापवर्तक। अगर हम LCM की बात करें तो जैसे हमें 3 और 5 का लघुतम पता है 15 होता है, क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन संख्याओं का लघुतम समापवर्तक कहलाती है। तो इसलिए 3 और 5 का लघुतम समापवर्तक 15 होगा। आइए अब हम इनको ज्ञात करने की विधियां देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं HCF यानी मैसेक महत्तम समापवर्तक। तो इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं, 77, 42 व 56 का मैसव अगर हमें ज्ञात करना है तो ये हम गुणनखंड विधि के द्वारा करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट विधि होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के द्वारा हम जो दी गई संख्याओं का प्रत्येक का गुणनखंड करते हैं। जैसे 77 है शुरुआत में, तो 77 का गुणनखंड होगा 7 × 11। इसके बाद 42 है, 42 का गुणनखंड होगा 2 × 3 × 7। इसके बाद अगर हम ये 56 लेते हैं यहाँ पे, तो 56 का गुणनखंड होगा 2 × 2 × 2 × 7। अब हम देखते हैं कि इनमें कॉमन संख्या क्या है जो कि सभी के गुणनखंड बनाए गए हैं उनमें सभी में आए। तो हम देख रहे हैं जैसे 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इनका मैसव होगा 7। इसी प्रकार अगर हम LCM की बात करें इसी विधि के द्वारा, तो एक हम इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए, हम ले रहे हैं 20, 28 या 40। तो इनका हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। 20 के गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 5। 28 के गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 7 और 40 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 5। यानी गुणनखंड करते हैं हम, उनमें ये प्राइम नंबर होने चाहिए कि छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जिनको आगे और जिनके गुणनखंड न किए जा सकें। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम कॉमन नंबर देखते हैं। जैसे 2 सभी में कॉमन है, 2 लिख लिया। 1, 2 और है, वो भी सभी में कॉमन है, 1, 2 और लिख लिया। इसके बाद 5 इन दो संख्याओं में कॉमन है, ये देखिए। तो अगर 2 में भी कॉमन है तो वो भी एक बार ही लिखेंगे। इसके बाद जो बाकी संख्याएं बची हैं उनको लिख देंगे, 2 बचा था और 7 बचा था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब इनका जो LCM आएगा वो आएगा 280। ऐसे हम LCM ज्ञात करते हैं भाइयों। इनको भाग विधि के द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है, जो हमारे लिए थोड़ा जटिल होगा, इसलिए हम गुणनखंड विधि ही प्रयोग करेंगे।
आपकी इच्छा है, अगर आपको अच्छे से अच्छे फल सेम आता है तो आप गुणखंड विधि भी कर सकते हो। आइए अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है भाइयों, 5/6, 5/6, 10/18 और 25/36 का मैसव क्या होगा। तो इनका मैसव निकालने के लिए हम, अगर हमें किसी भी संख्या का मैसव यानी एचसीएफ निकालना हो तो जो ऊपर दिया गया है ऊपरी भाग यानी अपर पार्ट का हम एचसीएफ याद करते हैं, और जो नीचे संख्याएं दी हैं जैसे 6, 18, 36 इनका हम एलसीएम लेंगे। तो पहले इसी संख्या को देखते हैं, इनका एचसीएफ लेते हैं। तो ऊपर वाली संख्या का हमें जैसे मैंने बताया एचसीएफ लेना है, तो 5, 10 और 25 का एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे 5, क्योंकि 5 ही वो संख्या है, अधिकतम संख्या है जो इनको पूर्णतः विभाजित कर रही है। और अगर एलसीएम लें तो एलसीएम हमें लेना होगा नीचे के भाग का जैसे 6, 18 और 36। तो 6, 18 और 36 का जो एलसीएम हो जाएगा वो होगा 36, क्योंकि 36 ही वह अधिकतम संख्या है जो इनको अच्छे से जो दोनों संख्याएं भाग जा रही हैं जैसे। तो अभी ये सॉल्यूशन हो गया, इसका एचसीएफ आया 5/36। अगर इसी क्वेश्चन का हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम ऊपर वाले भाग का इसमें एलसीएम ले लेंगे। अगर एलसीएम लेना हो तो ऊपर एलसीएम लिखते हैं, नीचे एचसीएफ लिख देंगे, और अगर हमें एचसीएफ लेना है तो ऊपर एचसीएफ लिखेंगे और नीचे एलसीएम लिख देंगे। तो देखिए अब एलसीएम ज्ञात करते हैं, तो एलसीएम यानी ऊपर की संख्याओं का एलसीएम लेंगे 5, 10 और 25। 5, 10 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका होगा 50। और अगर एचसीएफ लेना है अभी नीचे वाली संख्याओं 6, 18 और 36, 6, 18 और 36 का एचसीएफ होगा 6, यानी ये आ गया 25/3 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, उनका एलसीएम 165 है, यदि उनमें से एक संख्या 55 है तो दूसरी क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे अगर कोई दो संख्याएं ए और बी हैं तो उनका गुणनफल हमेशा उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या इसमें दी हुई है, जैसे यहाँ पे एचसीएफ दिया है हमारे पास 5, एलसीएम दिया हुआ है 165 यानी 165, और एक संख्या है हमारे पास 55, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है यानी बी निकालना है। तो ऐसे फार्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे और यहाँ से हम बी की वैल्यू निकालने के लिए 165 × 5/55 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11, और 11 से इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 15, यानी बी की वैल्यू होगी 15। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे हर क्वेश्चन में यूज होता है। कई बार एलसीएम एचसीएफ दिया पाता है, एक संख्या दी होती है, कई बार इनका रेशियो दिया होता है। अगर रेशियो दिया हो तो हम क्या करेंगे, इनको रेशियो को जैसे 4 और 5 का रेशियो है तो 4x और 5x उनका एलसीएम एचसीएफ ले लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और वो ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6, 18, 12, 20 से भाग देने पर शेषफल 0 देती हो। तो ऐसा अगर क्वेश्चन है दोस्तों तो हम क्या करेंगे, पहले 6, 18, 12, 20 दी गई संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लेंगे यहाँ से। तो इनका 6, 18, 12, 20 का एलसीएम हमारे पास आएगा, अगर गुणनखंड विधि से करते हैं या आप किसी भी विधि से कीजिए तो 120 एलसीएम आ जाएगा। और इसके बाद अगर इन्होंने छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या पूछी है तो स्टेप 2 में हम छोटी से छोटी संख्या लेंगे 4 अंकों की, यानी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1000। तो अब हमें क्या करना है, जो छोटी से छोटी संख्या है उसको इसके जो एलसीएम आया है उससे डिवाइड कर देंगे यानी भाग दे देंगे, यानी 1000 को हम 120 से भाग देंगे तो जो हमारे पास आएगा क्या आएगा, इनको भाग देने पर हमारे पास जैसे 1000 है यहाँ पे, इसको 120 से भाग दिया तो हमारे पास स्टार्टिंग में 8 पे गया ये, तो यहाँ आया 960, और शेष पर आ गया 40। तो एक फार्मूला है जिस फार्मूले में हम इसको पुट कर देंगे, वो फार्मूला क्या होता है, जैसे दी गई संख्या सबसे छोटी संख्या 1000 है हमारे पास, 1000 लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे एलसीएम माइनस शेष पर।
तो अब यहाँ पे हजार में हम जैसे इसका एलसीएम था 120 और शेष बचा हमारे पास 40, तो इसको कर देंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 80। तो 1000 प्लस 80 1080 इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसी दशा में शेषफल हमारे पास शून्य के बजाय 1 2 3 4 5 ऐसे दिया हो तो हमें क्या करना है, हम डायरेक्ट उस शेषफल को यहाँ इसमें ऐड कर देंगे, तो वही हमारा आंसर फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6 8 12 20 से भाग देने पर शेषफल शून्य बचे तो वह संख्या क्या होगी। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, जैसे 6 8 12 20 चार दी हुई हैं संख्याएं, इनका हम एलसीएम लेंगे 6 8 और 12 20 का। इनका एलसीएम हमारे पास फिर से जो हमने पीछे निकाला था वही 120 आ जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, अगर भाई हमारे पास चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या दी हुई हो तो हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10000, और 10000 संख्या लेने के बाद हम उसको फिर से जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 960, यहाँ बचा 40, हमने वहाँ से ऊपर से शून्य उतारी और बाद में यहाँ आ जाएगा, 3 पे भाग जाएगा, 360 आएगा और 40 शेषफल आएगा भाई इसका। 40 शेषफल आने के बाद हमें डायरेक्ट इसमें अगर बड़ी से बड़ी संख्या दिया हुआ कुछ नहीं करना है, सीधा जो संख्या हमने ली है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या उसमें से शेषफल को घटा देंगे। यहाँ हमने 10000 लिखा और इसका शेषफल था जैसे 40, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 9960, यही इसका आंसर होगा भाइयों। इसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना है। और अगर शेषफल 1 2 3 4 या इससे आगे कुछ भी हो ज़्यादा बचे, ये दिया हो शून्य की जगह शेषफल 1 2 3 4 5 बचता है तो हमें डायरेक्टली जो हमारे पास वैल्यू आई है इसमें इसको ऐड कर देंगे, तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम आपको इन्हीं जो हमने सॉल्यूशन करवाए हैं, क्वेश्चन आपको करवाए हैं, इन्हीं के पे आधारित कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन करके देखना ज़रूर और कमेंट में इनका आंसर रिप्लाई करना। तो ये पहला क्वेश्चन है, हमने आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए हैं, तो ये क्वेश्चन देखिए भाइयों। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन ना आए तो कमेंट में हमें बताइएगा, हम आपको ये इनका जवाब कल के वीडियो में देंगे। अगर आपको आता है तो सबसे बढ़िया है, अगर नहीं आता है तो हम इनको कल करवा देंगे आपको। ज़रा ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना, वीडियो को पॉज करें और निकालने की कोशिश करें। इसके लिए हमने आपको ऑप्शंस भी साथ में दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा। इनमें 2 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी ट्रिक हमने आपको नहीं बताई, और उनकी ट्रिक हम आपको आगे के जो कल वीडियो आने वाला हमारा उसमें बताएंगे। आपको इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी कल के वीडियो में करवाया जाएगा। तो देखिए भाइयों, ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिए। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप इनका आंसर आप कमेंट में हमें बता सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, और ये भी बताइए आपको कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्योंकि हम उसका सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह से करवा देंगे। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ आपका, और पढ़ाई में जुटे रहिए। धन्यवाद।